गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑन द वे अमन। तो गाइस आज दिन बहुत अच्छा चढ़ गया है और मौसम भी क्लियर है। तो मेरी आज की जो प्लानिंग है वो है खीर गंगा जाने की, जो कि मेरे रूम स्टे से जो है पहले मुझे बरसैनी तक जाना होगा 18 किलोमीटर तक, और उससे आगे जो है ट्रैक शुरू होता है खीर गंगा तक। तो बाकी बातें हम बाइक पे करेंगे। तो मणिकरण क्रॉस करते ही ये पहला ब्रिज आया है जो कि मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ और बरसैनी विलेज में एंटर कर गया हूँ। तो मैं बरसैनी विलेज में पहुँच चुका हूँ अभी, और रोड पे आपको हर जगह पानी ही पानी नज़र आएगा। रोड की कंडीशन वैसे काफ़ी अच्छी है। तो गाइस अभी भी जो खीर गंगा का ट्रैक है वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है, और रोड 2-3 किलोमीटर से थोड़ी मुझे अभी ख़राब मिली है। तो यहाँ तोश लिखा हुआ है 3 किलोमीटर, और खीर गंगा के लिए भी ये रास्ता जा रहा है गाइस। तो मैंने अपनी बाइक और हेलमेट यहीं पार्क कर दिया है, बाकी मुझे इस रास्ते से जाना है खीर गंगा के लिए। और कल आकर मैं यहाँ से अपनी बाइक उठाऊँगा, बाकी देखते हैं, राम भरोसे है बाइक। तो गाइस यहाँ खीर गंगा के लिए ये रास्ता भी जाता है, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है कालका से। तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं कालका से जाऊंगा, और सुबह के अभी जो है 8 बजे हैं। जो ट्रैकिंग मैंने अभी शुरू की है, बाइक मैंने अपनी पीछे पार्क कर दी है, और सामने का व्यू देखिए गाइस। ठीक है, आप भी खीर गंगा जा रहे हो? चलो फिर तो बहुत बढ़िया हो गया है। तो गाइस यहाँ से मेन कालका का जो वे है खीर गंगा के लिए यहाँ से स्टार्ट होता है। रास्ता देख लीजिए खीर गंगा के लिए, अभी यहाँ से जाना है। तो गाइस अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, और ये सारा डैम है, ये रास्ता है जो अभी मैंने कवर किया है, और ऊपर जाने का रास्ता ये देखिए ये है। मैं चाय पीने के लिए रुका हूँ और थोड़ी सी एनर्जी लेवल को थोड़ा इंक्रीज़ कर लूँ, पार्ले जी बिस्कुट काफ़ी, तभी थोड़ा आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा। और यहाँ से रास्ता है कालका से खीर गंगा के लिए। तो गाइस सुपर पावर आ चुकी है मेरे पास, और कालका वाले रास्ते से मैं खीर गंगा जा रहा हूँ, और अकेला हूँ इस वक्त। अभी रास्ता काफ़ी मुश्किल है, पर मज़ा भी आ रहा है। क्या बात है गाइस, मैं वहाँ से आया हूँ और पीछे मेरे एक झरना बना अगर आपको नज़र आ रहा हूँ, और ये कालका का वे है ट्रैकिंग वे खीर गंगा तक। क्या बात है गाइस, रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, कभी भी आए तो थोड़ा आराम से आए। क्या बात है, और ये एक अभी पुल है छोटा सा जो कि मुझे क्रॉस करना है। फाइनली गाइस ये पुल क्रॉस करते हुए, बड़ा डर लग रहा था
एट लास्ट मैंने कर लिया। तो गाइज ये जो कालका का ट्रैक है खीर गंगा तक, यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं। और अब मेरे पीछे देखिए, यहाँ से बर्फ़ शुरू हो चुकी है और सामने का व्यू देखिए गाइज। और वहाँ से मैं आया हूँ और यहाँ आप जितना भी आप ट्रैक देख रहे हैं सारा बर्फ़ वाला ट्रैक है और काफ़ी स्लिपरी है ये देखिए गाइज बर्फ़। हैप्पी होली, और ये मेरा हैप्पी होली हो रहा है। यहाँ पे लोग होली मना रहे हैं और मैं यहाँ खीर गंगा में हूँ इस वक्त, बर्फ के साथ होली मना रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है, अकेला ही हूँ मैं। वहाँ से आया था और इधर को जाना है। तो गाइस ये अभी मुझे क्रॉस करना है और वहाँ से वो रास्ता जा रहा है और इधर से मैं आया हूँ अभी। बहुत ही रिस्की है गाइस, तो फाइनली मैंने ये भी क्रॉस कर लिया है। सच में वहाँ से आया हूँ अभी। तो गाइस अभी सर्दियों में यहाँ आपको बंदर वगैरह मिलेंगे और गर्मियाँ स्टार्ट होते जो है भालू भूलू यहाँ सब निकल आते हैं। तो अभी गर्मियाँ स्टार्ट नहीं है इसलिए जितने भी भालू हैं अभी वो जहाँ भी होंगे वो वहीं हैं, बाहर नहीं निकले अभी। और इस एरिया में ना धूप नहीं मिलेगी आपको कालका वाले एरिया में, और अगर आप दूसरे एरिया तोश वाले एरिया से जाएंगे वहाँ पे आपको धूप ही धूप मिलेगी। ये बेनिफिट है अगर आप कालका से आएंगे, ठंडे ठंडे ही पहुँच जाओगे आप ऊपर। गाइस ये है इतनी देर बाद चलने का एक और नज़ारा जो इतनी देर बाद मुझे मिला है। वाओ छोटा सा रास्ता है अभी, बहुत प्यारा, क्या बात है। काफ़ी चलने के बाद एक यहाँ पे स्टॉल नज़र आया है चाय पानी या मैगी का। तो इस मिडवे के जो है ये ऑनर है और इनका नाम हार्डी है, और कुछ बताएं मतलब अली भाई है। और यहाँ पे एक अली भाई हैं और सामने ये कौन सर बैठे हैं,
ये बशीर। अच्छा ठीक है, मतलब आप तीनों यहाँ काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या क्या मिल जाएगा खाने पीने के लिए? खाने में ब्रेड ऑमलेट मिल जाएगा, पिज्जा मिल जाएगा, सैंडविच मिल जाएगा, ठीक है, मैगी मिल जाएगी, और कोल्ड ड्रिंक में सब मिलेगा, चाय वगैरह सब मिल जाएगा, चाय वगैरह सब मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ आज ही आपने ओपन किया? आज ही ओपनिंग की है, आप पहले कस्टमर। चलो ठीक है ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, बाकी जब भी कोई आए कालका वे से अपना मिडवे कैफे है ना, ये खीर गंगा वाले रास्ते में है, मतलब कि कालका से खीर गंगा वाले बीच के रास्ते में ये मिडवे जो है ये पड़ता है, और बहुत ही प्यारी लोकेशन पे है। सामने आप जो है पहाड़ियों का मज़ा ले सकते हैं, और बैठने का तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ हर तरफ चेयर्स लगी हुई हैं। आप चाहे सिंगल आएँ, चाहे फ्रेंड्स के साथ आएँ, चाहे फैमिली के साथ आएँ, यहाँ ज़रूर आएँ मिड कैफ़े में, और हार्डी जी से ज़रूर मिलेगा। तो गाइस अभी मैंने ब्रेड ऑमलेट और साथ में चाय कप मंगवाया है। तो जिस स्टॉल पे मैं रुका था वहाँ पे मेरे को ब्रेड ऑमलेट 100 रुपीज़ का पड़ा, और चाय का कप जो है वो है 40 रुपीज़ का। देखिए इसमें मेरे को कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं लगे, क्योंकि इतनी हाइट पे है तो इतना तो बनता ही है, और इन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए। तो आप जब कभी भी आएँ तो यहाँ से खा पी कर ज़रूर जाएँ, और बहुत अच्छी नेचर लगी मुझे हार्डी और अली की, और वो यहीं लोकल ही हैं मंडी के, और उनका डेली का है आना जाना, और कितनी हाइट से कितना नीचे से ऊपर तक आते हैं ये, वाकई यार बहुत दम है इनमें बंदों में। हम तो सिर्फ़ एक बार के लिए आए हैं और ये तो डेली आते हैं। चलो थैंक यू अली जी, थैंक यू हाडी जी, मिलकर बहुत अच्छा लगा आपसे। यहाँ तो रास्ता ही नहीं है चलने के लिए, पर थैंक गॉड रेलिंग लगी हुई है, इसी कारण लगी हुई है क्योंकि ऊपर से जो बर्फ़ दिख रही है इसने बिल्कुल रास्ता ब्लॉक कर दिया हुआ है, थोड़ा सा मिल रहा है चलने के लिए, पर चलो इस रेलिंग की वजह से सेफ्टी है। तो नीचे खाइए गए वो, मैं नीचे से आ रहा हूँ और अभी इतनी हाइट पे ऊपर चढ़ना है, बहुत ज़्यादा हाइट है। तो भाई इसको कंप्लीट करने के लिए स्टिक का होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, नहीं तो ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। फाइनली गाइस हो गया ये भी, अब यहाँ से ऊपर चढ़ना है, बहुत रिस्की है। तो फाइनली ऊपर आ गया हूँ मैं, काफ़ी झरने को करते हैं बाय बाय, और अब पता नहीं कहाँ है रास्ता। तो यहाँ से मुझे जाना है वो ऊपर तक, तो ये सारा रास्ता स्नो से भरा पड़ा है, काफ़ी रिस्की है। गाइस कैमरा बंद कर रहा हूँ अभी मैं।
तो गाइस वहाँ से मैंने अभी कवर कर लिया इतना रास्ता और नीचे खाई है बिल्कुल गाइस, और अभी भी आगे ये रास्ता जा रहा है। अगर कोई करने वाला हो तो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है। और नीचे जो ये शूज़ है ये आपके अच्छे होने चाहिए, ग्रिप वाले। सबसे ज़्यादा रिस्की जो कि मुझे अब मिला है रास्ता, और नीचे बिल्कुल खाई है गाइस, सिर्फ एक पैर रखने के लिए जगह है यहाँ, और कोई एंगल नहीं बना हुआ, और वो क्रॉस करना है मुझे पूरा रास्ता, क्रॉस करके मिलता हूँ आपको। मैंने कैमरा ऑन ही कर लिया गाइस, बहुत ही रिस्की है। ये रूट काफ़ी स्लिपरी है, ये जो अभी अभी मिला है, बर्फ काफ़ी मेल्ट हो चुकी है यहाँ पे, तो जिस वजह से कीचड़। एक्चुअली एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में स्टिक है, इसलिए थोड़ी सी गाइस, जब पता लगता है ना कि जहाँ जा रहा हूँ और वो जगह सिर्फ थोड़ी नज़दीक रह गई है, तो बॉडी में खुद ही जोश आ जाता है। अब मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही, बीच में गाइस, तो मैं फाइनली खीर गंगा पहुंचने वाला हूँ। वो सामने जो टॉप नज़र आ रही है वही खीर गंगा है। हालत बहुत टाइट हो गई है। अब ये ग्लेशियर सा ये पार करना है अभी। तो फाइनली मैं खीर गंगा पहुँच चुका हूँ गाइज, और आप सबका स्वागत है खीर गंगा में। पीछे का व्यू देख रहे हैं गाइज, ये है खीर गंगा। तो अभी मैं टाइम चेक कर रहा था, तो 2 बजे हैं गाइज अभी, और सुबह 8 बजे चला था, तो टोटल 6 घंटे मुझे लगे खीर गंगा तक पहुंचने के लिए। तो फाइनली मैं खीर गंगा भी पहुंच गया हूं, और रहने का भी बंदोबस्त हो गया है। मैं यहां वुडलैंड के नेम से यहां पे जो कैंप्स प्रोवाइड करवाते हैं मैं वहां आ रखा हूं इस वक्त, और ये वाला जो टेंट है लास्ट में, ये वाला मैंने चूज़ किया है अपने लिए, जो कि मुझे 1000 रुपीज़ का पड़ा है, जिसमें ब्रेकफास्ट डिनर और चाय वाय सब कुछ होगा। मैं अंदर से दिखा देता हूँ आपको, कुछ ऐसा है, ये मेरा सामान पड़ा है, कुछ ऐसा है। और गाइस पीछे का व्यू देखिए, और ये तो बुक हो चुके हैं,
पीछे का व्यू गाइस बहुत ही अल्टीमेट, बिल्कुल पहाड़ों के पास है गाइस। और मैं अभी आपको मिलता हूँ गर्म पानी वाले कुंड में जो ऊपर है। तो गाइस वो सामने जो मंदिर दिख रहा है वो एक तो शिव मंदिर है, साथ में गर्म पानी का कुंड बना हुआ है, वहीं मैं अभी जा रहा हूँ नहाने। तो गाइस ये है गर्म पानी का कुंड और इसमें जाने से पहले आपको यहाँ स्नान करना पड़ेगा। और सामने वो देख रहे हैं वो है मंदिर और अभी मैं जा रहा हूँ गर्म पानी कुंड के अंदर। तो गाइस सारी थकान यहाँ मिट चुकी है, एक बार आप भी जब भी आए इस कुंड में ज़रूर आए। और लेडीज़ के लिए जो है वो अलग से बना हुआ है कुंड, ये जेंट्स के लिए। तो गाइस अभी मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ नंगे पैर, बूट मैंने वहाँ नीचे रख दिए, बहुत ठंड है गाइस। और यहाँ देखो गाइस गर्म पानी का कुंड है और इतनी बर्फ पड़ी हुई है और इतनी ठंड है यहाँ, बहुत अच्छा। यहाँ से जाना पड़ेगा गाइस, कि कहाँ से है, इधर से है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो गाइस अभी मैं फ्रेश हो चुका हूँ यहाँ से गर्म पानी के कुंड से और अभी पता लगा है ऊपर एक गुफा है कार्तिक गुफा, लेकिन वो ओपन है या नहीं है अभी नीचे जाके पता करता हूँ अपने जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ। अगर ओपन हुआ तो ज़रूर जाएंगे वहाँ। तो गाइस जहाँ आपको बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे हैं वहाँ पे एक कार्तिक गुफा है, लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने की वजह से वहाँ जा नहीं सकते। और यहाँ पे ये कहना है कि कार्तिक जो जी थे जो वो यहाँ से अपने पार्वती माता को मिलने के लिए यहाँ इस गुफा से निकल कर मानतलाई कोई जगह का नाम है वहाँ उन्हें मिलने जाया करते थे। और सामने शिव मंदिर और गर्म पानी का कुंड तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो ये जो कैंप्स बने हुए हैं इधर भी और इधर भी, और सामने किचन है और जो लोग यहाँ रहते हैं उनके रूम्स भी हैं, सामने ये बड़े वाले टेंट भी हैं। और ये जो है वुडलैंड के नेम से है, आप कभी भी खीर गंगा आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ वुडलैंड में। लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि जब भी आप ऊपर जाएँ खीर गंगा ले तो यहीं स्टे करें वुडलैंड में, और अच्छा भी है। आते ही मुझे चाय और मैगी मिल गई है, 1000 का मेरा पर नाइट जो है इन्होंने मेरे को बताया है कि मुझे पे करना है, जिसमें मेरा ब्रेकफास्ट और डिनर रहेगा। और कल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके मैं यहाँ से कसौल के लिए वापस चला जाऊँगा जहाँ मेरा रूम स्टे है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और काफ़ी थकान हो गई है ऊपर पहुँचते। बाय गॉड जब मन में ये आने लगा ना कि अब थक गया मैं, तब तक मैं यहाँ पहुँच चुका था। बाकी बहुत प्यारा ब्यूटीफुल व्यू है ऊपर का, वो तो आप खुद ही देख सकते हैं जो देख रहे हैं आप पीछे, बहुत ही ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया।
कोई वर्ड्स नहीं है इसके लिए। और सामने देखिए गाइस, वहाँ पे भी पहाड़ है, इधर तो चलो है ही है, सारी तरफ पहाड़ी पहाड़ है। तो ऐसी जगह पे कौन नहीं चाहेगा कि रहे। मज़ा आ गया आज का, और ट्रैकिंग भी बहुत अच्छी रही। हाँ मैं अकेला आया था, लेकिन ये है कि अकेले में भी काफ़ी मज़ा आया ट्रैकिंग करने में। बीच में थोड़े बहुत मिलते जा रहे थे लोग, जिनसे मैं पूछ पूछ के ऊपर आ गया था, कोई दिक्कत नहीं आई। गाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता गाइड करने की ज़रूरत है किसी को। बाकी आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और गाइस अभी खाना मैंने मंगवाया, टेंट के अंदर ही आ गया था, तो राइस, राजमा, पनीर और दो चपाती और विद सैलेड था। अच्छा खाना है यहाँ का, वुडलैंड का। अगर आप कभी भी खीर गंगा आएँ तो यहाँ वुडलैंड में आप स्टे कर सकते हैं। और एक्चुअली बस यहाँ एक दिक्कत है कि टेंट के अंदर आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बल्ब मिलेगा ऊपर। अगर आपको कुछ चार्ज करना है तो वहीं जाकर आपको चार्ज करना पड़ेगा। बाकी आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा ब्रेकफास्ट करके, और सीधा नीचे मैं कसौल में मिलूँगा आपको। और अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँ। और मिलते हैं आपसे कसौल में नीचे कल, तब तक के लिए गुड बाय।